अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको काश्तकारी के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को मुकम्मल वाच करना, पूरा वाच करना, इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या हमें ये काम करना चाहिए या नहीं, किसान का, ज़मींदार का, गंदम की बिजाई या गन्ने की बिजाई या कुछ भी है, तो सारी मालूमात आपको दूंगा, तो इंशाल्लाह वीडियो के साथ रहना, वीडियो को मुकम्मल वाच करना। तो दोस्तों, ये मेरी 12 कनाल की गंदम है और ये जनाब मुकम्मल हमने निकाल ली है और निकाल के ये हुई है जनाब 14 बोरी 1400 किलो 12 कनाल में, समझो 1.5 एकड़ था और 14 बोरी हो गई ना, 100 केजी की एक बोरी हम कहते हैं, तो वो 14 बोरी हो गई। तो दोस्तों, जो मैंने ख़र्चा किया था वो तूड़ी गंदम सारा कुछ मिला जुला के ये बराबर होता है, इसमें कोई बचत नहीं है। लेकिन ये हमारी माशाल्लाह ख़ुद की ज़मीन है तो काश्त करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें तूड़ी की बहुत ज़रूरत होती है जानवरों के लिए। तो तूड़ी इस्तेमाल जो है ना, यही क्योंकि हम अगर तूड़ी ख़रीदें तो बहुत महंगी पड़ती है और ये तूड़ी हमें काम दे जाती है, तो इसलिए हम ये काम करते हैं गंदम का। और अगर आप किसान हैं और काम कर रहे हैं और ख़ुद की ज़मीन है या ठेका पहले से ख़रीदा हुआ है, तो सरसों का जो फसल है ना सर्दियों में, वो बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता फसल है, उस पर कोई ख़र्चा नहीं है, आमदनी औसत भी अच्छी है। अगर उसका बीज अच्छा डाला जाए तो उसका बिल्कुल ना तो कोई ख़र्चा है और आमदनी औसत में भी बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो गंदम का काम है ना, ये तकरीबन खसारे का काम है, जो लोग ठेके पर काम करते हैं उनके लिए अब ये काम बहुत खसारे में है, क्योंकि डीज़ल पहले तो बहुत महंगा था, अभी डीज़ल सस्ता है, लेकिन और महंगाई बहुत ज़्यादा है, खाद है और खाद के साथ स्प्रे वगैरह सारा कुछ, इसका बहुत प्रोसीजर होता है, ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है, औजार की ज़रूरत होती है। अगर हम घंटे पर काम कराते हैं तो फिर बहुत महंगा पड़ता है, अगर ज़मीन थोड़ी है और ट्रैक्टर रखते हैं तो फिर ट्रैक्टर की मूड़ी ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा पैसा है, औजार में ज़्यादा पैसा है। तो ये बहुत उलझन वाला काम है, मैंने बहुत किया है इसमें पैसा, पहले था, पहले खर्चे कम थे और इसमें आमदनी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब जो हाल चल रहा है ना, इसमें बिल्कुल कोई आमदनी नहीं है। जब फसल तैयार होते हैं, काटे जाते हैं, तो बारिशें आना शुरू हो जाती हैं, तो फसल अक्सर फसलों का बहुत नुकसान हो जाता है, पकी हुई फसलें जो है ना, इन पर अगर बारिशें आ जाएं तो ये बहुत नुकसान हो जाता है। आज भी बहुत बादल था और बहुत मुश्किल से ये थ्रेशर मंगवाई है और गंदम निकाल ली ना, तो हमें तूड़ी की ज़रूरत होती है, जिस वजह से हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि तूड़ी घर की हो जाती है तो तूड़ी बहुत महंगी हो जाती है, सर्दियों में लेना ये बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो दोस्तों, जो नए लोग सोच रहे हैं ना, तो बिल्कुल ये काम नए लोगों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, लाखों रुपए का लोग नुकसान कर जाते हैं। जो देहातों के लोग होते हैं ना, वो पहले से ज़मींदारे का काम जानते हैं, उनके पास ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, वो ठेके अगर ख़रीद लेते हैं तो उनको नुकसान नहीं होता है। जो नया बंदा ये काम करता है ना, तो वो बहुत बड़ा खसारा कर बैठता है, क्योंकि ये काम एक तो तजर्बे का काम है, मशीनरी होनी चाहिए, तजर्बा होना चाहिए, घर के खुद के बंदे होने चाहिए, वरना इस पर जो मज़दूर लगते हैं वो काम बहुत ही महंगा पड़ जाता है ना। तो इस साल जो है ना, गंदम की आमदनी बहुत ही कम है, बहुत कम है, बहुत लोग खसारे में जा रहे हैं। हमारे 2 एकड़ थे और जगह पर ना, भाई के 2 एकड़ थे और उसमें 13 बोरी हो गई ना, 13 बोरी 2 एकड़ में, 1300 किलो 1300 केजी 2 एकड़ में हुए ना गंदम के, तो उस पर 40,000 का ख़र्चा था। अब बताओ उसमें कितना खसारा हो गया ना। तो जितने लोग भी अब कर रहे हैं ना काश्तकारी का काम, या तो वो पुराने लोग हैं या ख़ुद ज़मींदार हैं, वो इस तरह के लोग कर रहे हैं, वरना ये नए बंदे का काम नहीं है, बिल्कुल बहुत बड़ी उलझन वाला काम है। और अगर हम ठेके जो है ना ख़रीदते हैं, ठेके ख़रीद कर फिर जो है फसलें बिजाई करते हैं, तो बहुत ही ये उलझन वाला काम है, रात दिन का।
और एकदम से पैसे दे देना और फिर एक एक रुपया करके इकट्ठा करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काम जो है ना अब बिल्कुल महंगा है और इसमें कोई बचत नहीं है और रात दिन की दिक्कत है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।